मेमोरी दैट इज 2 to the power 20 विच इज इक्वल्स टू 1 MB. और अगर मैं इसकी लोकेशंस की बात करूं तो वो लोकेशंस कहां से कहां तक रहती हैं? दीज लोकेशंस आर फ्रॉम लेट अस से 0000002 FFF. ओके, सो जो हमें मेमोरी डिजाइनिंग करनी है, चाहे वो मिनिमम मोड के लिए है चाहे वो मैक्सिमम मोड के लिए है, सो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट मैक्सिमम एड्रेसेस विच आर सपोर्टेड बाय माइक्रो प्रोसेसर 8086 आर फ्रॉम 0000 to FFFFF. ओके, सो अ पॉइंट इज जो आपका लेट अस से ये मेमोरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. अपर पार्ट इज मोस्टली नॉट मोस्टली आपने जब भी मेमोरी डिजाइन करना है तो आपने जो रैम है तो रैम विल बी फ्रॉम दिस रैम डिजाइनिंग या रैम इंटरफेसिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एड्रेस. ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज रोम. रोम विल स्टार्ट आफ्टर रैम. सो आपके पास लेट अस से एग्जामिनर ने इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्टली टॉक अबाउट द क्वेश्चन कि आपको एग्जामिनर ने कहा कि आपको उसने चिप दे दिया. लेट अस से उसने कहा कि यू आर हैविंग अ चिप ऑफ 4 KB विच इज रैम एंड यू आर हैविंग अ चिप ऑफ 16 KB या 2 chips of 16 KB या 4 chips of 16 KB विच आर रोम एंड यू नीड टू कनेक्ट यू नीड टू इंटरफेस ऑल दीज मेमरीज टू विद 8086 प्रोसेसर. So what you will do, as you are aware, I told you ki what are the different locations. Different locations are 0000002 FFFFF. Theek hai? So you need to connect memory within these locations. So you have to start from 00000 and firstly you have to connect RAM. Thumb rule. Koi isme confusion nahi rakhna. Firstly you have to connect RAM. And the starting address of RAM is 0000. ठीक है, तो अगर एग्जामिनर ने आपको बोला है कि यू नीड टू कनेक्ट रैम एंड रोम, अगर आपने आपको उसने रैम एंड रोम दोनों कनेक्ट करने को बोला है जो कि यूजली वो बोलेगा, तो आपको रैम कनेक्ट करनी है. अगेन आई एम रिपीटिंग विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एड्रेस. उसके बाद आपको रोम कनेक्ट करनी है. नाउ इस पॉइंट से हमें एक बात क्लियर हो गई कि जब आप रैम कनेक्ट करोगे तो आपका स्टार्टिंग एड्रेस आपको पता है, लेकिन जब आप रोम कनेक्ट करोगे तो आपका स्टार्टिंग एड्रेस आपको नहीं पता कि कहां से है. ठीक है, अब जो रोम होती है दैट इज कॉल्ड एज द परमानेंट मेमोरी. कल हमने देखा भी था कि रैम में वी कैन परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन, इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज लेक्चर, एंड इन रोम वी कैन ओनली परफॉर्म रीड ऑपरेशन. सो रीड रोम इज अ परमानेंट मेमोरी. लेकिन एक बात हमें क्लियर है कि जो रोम का लास्ट एड्रेस है वो क्या है, या रोम का लास्ट एड्रेस नहीं, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर लास्ट एड्रेस सपोर्ट करता है वो है ये FFFFF. ठीक है, इन केस अगर आपको लेक्चर के में कहीं पर कुछ विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना. ठीक है, तो अभी क्या है, लेट अस से कि एग्जामिनर आपको कह रहा है कि मैं सीधा एक काम करता हूँ, क्वेश्चन लेकर चलता हूँ. इस क्वेश्चन से भी पहले नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया हमको कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट विल बी द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रोम. तो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रोम. ठीक है, तो एक टास्क तो सबसे पहले ये है कि हमको स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रोम कैलकुलेट करना है. और उस अब उसके बाद इस डिजाइनिंग पार्ट को समझने के लिए मैं सीधा क्वेश्चन एक लिखता हूँ, जैसा क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आता है. इट्स काइंड ऑफ कि जैसे न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल मैं लिखता हूँ और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो जिससे आपको ये टॉपिक इजिली क्लियर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द थ्योरी. तो लाइक इफ द क्वेश्चन इज डिजाइन 8086 based 8086 based
मैक्स मोड सिस्टम, लेट अस से मैक्सिमम मोड सिस्टम, हैविंग 32 KB ऑफ EPROM. कल मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मेमोरीज जो है, इसका थियोरी आप पढ़ लेना अपने आप, रोम क्या है, रैम क्या है, ईपी रोम क्या होता है, ईईपी रोम क्या होता है. यूजिंग 16 KB चिप्स एंड 128 KB ऑफ रैम, यूजिंग 32 KB ऑफ चिप्स, 32 KB चिप. तो क्वेश्चन समझ आया आपको कि हमको क्या करना है. हमको 886 के साथ मैक्सिमम मोड में हमको, अभी ये इसमें डिटेल में नहीं जा रहा मैं मैक्सिमम मोड या मिनिमम मोड के, आई होप आपको मैक्सिमम मोड मिनिमम मोड ध्यान है. अभी सिर्फ मैं आपको 886 के साथ मेमोरी कैसे कनेक्ट करनी है, फिर उसके बाद कोई भी हो मोड कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक बार आपको डिजाइनिंग आ जाए. 886 के साथ आपको 32 KB की रोम लगानी है. 32 KB की रोम कैसे अवेलेबल है, 16 KB की चिप्स में अवेलेबल है. 128 KB रैम लगानी है, वो 128 KB रैम वो कैसे अवेलेबल है, उसके लिए 32 KB की चिप्स हैं. तो क्वेश्चन समझ आया सबको, इज इट क्लियर, प्लीज से यस और नो. यस सर. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला पार्ट क्या करना है, सबसे पहला पार्ट करना है हमको स्टेप वन. स्टेप वन क्या है आपका, मेमोरी कैलकुलेशन. अब मेमोरी कैलकुलेशन में हमको करना क्या है, अब क्वेश्चन में क्या था, रिक्वायर्ड कितनी थी. अगर मैं लेट अस से रोम की बात कर रहा हूं तो रोम कितनी रिक्वायर्ड थी, 32 KB. चिप जो अवेलेबल थी वो कितनी थी, 16 KB. यही था क्वेश्चन में. मैं फिर से क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, इफ इट इज विजिबल. यही था क्वेश्चन, 32 KB रोम हमको बनानी थी और जो चिप अवेलेबल थी वो 16 KB के अवेलेबल थी. 128 रैम लगानी है, सॉरी दिस इज रैम, एंड जो चिप अवेलेबल है वो 32 KB की अवेलेबल है. तो सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो रोम लगानी है उसमें 16 KB की चिप अवेलेबल है मेरे पास. तो सबसे पहला काम क्या करना है, मेमोरी कैलकुलेशन जिसको हम बोलते हैं स्टेप वन. मेमोरी कैलकुलेशन क्या होगा, अब यू टेल मी, इट्स द इजी वन, कि नंबर ऑफ चिप्स कितने होंगे, कितने रिक्वायर्ड होंगे. यस, टू. ठीक है, तो एक बात तो ये क्लियर हो गई. उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर टू, Now you need to calculate the starting address of the room. I told you RAM कहां से लगानी है, सिंपली RAM आपको 000 से स्टार्ट करनी है. तो उसमें तो स्टार्टिंग एड्रेस का कोई पंगा नहीं है, लेकिन रोम का स्टार्टिंग एड्रेस पता करना पड़ेगा. तो रोम का स्टार्टिंग एड्रेस कैसे पता करेंगे, आपको पता है लास्ट एड्रेस क्या है, लास्ट एड्रेस क्या है माइक्रो प्रोसेसर में, FFF. यस, FFFFF. ओके, नाउ अब मैं यहां पर साइड में बता रहा हूं आपको, 32 KB मेमोरी लगानी है. ठीक है, सो इट्स, आई कैन राइट इट एज 2^5. सर वो विजिबल नहीं है. ओके, जस्ट अ सेकंड.
2 to the power 5 into 2 to the power 10, okay, which is equals to 2 to the power 15, 32 और kb, मैंने दो parts में divide कर दिया, it is 32 into 1k, okay, कोई confusion इसमें, इसमें कोई confusion, please say yes or no, no sir, okay fine, sir, अब how I can write this 2 to the power 15, it's, I can simply write it as 1, 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 sorry, space थोड़ा कम पड़ गया, anyhow, and last one is 1, 1, 1, so it is F, it is F, it is F, it is 7. So is it clear कि ये मैंने क्या किया? यहाँ तक किसी को कोई confusion? No sir. I hope सबको समझ आ गया होगा. It's an easy one. किसी को नहीं आया तो you can ask. I have simply converted this 2 to the power 15 to the let us say decimal system and then from system I have as I told you in the previous lectures also. From the decimal number system, I have converted them hexadecimal number system. Sir, 32 to KB equal to, कैसे लिखा है सर ये 25 into 210. Okay, so it's the easy one. मैंने simply कुछ नहीं किया. 32 KB है ना ये. So it's something like मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ separately. It's something like 32 into 1 KB. यही है. 32 क्या होता है 2 to the power 5, 1 KB क्या होता है 2 to the power 10, जी हाँ जी हाँ जी यही होता है ना, बस इसको सिंपली लिख लिया, आप सीधा भी लिख सकते हो, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये 2 to the power 15 हो गया, ठीक है, उसके बाद 2 to the power 15 को मैंने ये लिख लिया, ये जो अभी मैंने आपको लिखाया, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, चार 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 और तीन पंद्रह, इज इट क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर. ओके, अब मैं वापस आ जाता हूं यहां पे, तो मेरा जो लास्ट एड्रेस था वो ये था, ठीक है, और जो मेमोरी जो कैलकुलेट मैंने की वो की, वो आई अभी मैंने जो कैलकुलेट की 7FFF, ओके, is it visible na? Yes sir. Okay. तो अब मैं क्या करूं, मुझे निकालना क्या है, ये मेरा मेमोरी का, मेमोरी के एड्रेसेस आ गए, अब मुझे निकालना क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस, तो सिंपली मेरे लास्ट एड्रेस में से अगर ये माइनस कर दूं तो मेरा स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ किसका आ जाएगा, रोम का, इट इज एफ 8000, आप करके देख सकते हो, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, देन इसको माइनस किया 8 और ये F आ गया, इज इट ओके, यहां तक बात समझ आई है? यस सर. यस सर. सो नाउ आई हैव गॉट, अब मेरे पास मेमोरीज थी रैम एंड रोम, मैंने आपको क्या कहा, रैम कहां से लगानी है, कोई भी रैम आए आपकी, बिगिनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एड्रेस लगानी है, रोम के लिए आप फर्स्टली पहले क्या करोगे, आप मेमोरी कैलकुलेट करोगे कितनी है, मेमोरी कैलकुलेट करने के बाद आप साइज ऑफ मेमोरी कैलकुलेट करोगे, जो आपने ये किया, साइज कैलकुलेट करने के बाद आपने रोम का स्टार्टिंग एड्रेस, ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन के लिए रैम रोम का स्टार्टिंग एड्रेस आ चुका है, रैम और रोम का स्टार्टिंग एड्रेस आ चुका है, ठीक है, तो रोम का स्टार्टिंग एड्रेस आपने निकाला वो है 7800, सॉरी F, इट्स नॉट 7, F8000, ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप है मेमोरी डिजाइनिंग का, ठीक है, इज इट ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द
step two is size of address bus will decides the size of memory. Now I am having 16 KB of the memory, and it is, let us say, 16 into 1 KB, again the same thing, and it is, I can write it as 2 to the power 4 into 2 to the power 10, and it is going to be 2 to the power 14. Okay, 2 to the power 14. So I need 14, these 14 address lines, I need 14 address lines. समझ आई बात? मैंने अब आपको क्या कहा, मेरे को क्या करना था, फिर से जस्ट एक बार रिकैप कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे. मैंने आपको कहा कि मेमोरी कैलकुलेट करनी है. मेमोरी कैलकुलेट, कितनी मेमोरी चाहिए? 32 KB. चिप कितनी है? 16 KB की है. ठीक है, 16 KB की चिप है, मेमोरी चाहिए 32 KB की. तो सबसे पहले मैंने को स्टार्टिंग एड्रेस कैलकुलेट करना है रोम के लिए. स्टार्टिंग एड्रेस मैंने कैलकुलेट कर लिया जो ये आया था. अब उसके बाद मुझे एड्रेस लाइन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वी डील विद द मेमोरी बैंकिंग सिस्टम, इवन एंड ऑड मेमोरी बैंकिंग सिस्टम. सो आई एम हैविंग चिप ऑफ 16 KB. सो फॉर 16 KB चिप, हाउ मेनी एड्रेस लाइंस आर रिक्वायर्ड? सो आई हैव कैलकुलेटेड, आई नीड 14 एड्रेस लाइंस. सो इज इट ओके? प्लीज से यस ऑर नो. यस सर. ओके, सो अभी मेरे को यहीं रुकना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड टू गो फॉर अ अर्जेंट मीटिंग. So you can, यहां तक आप भी